Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ते असी अज बनाण लगे हां लेमन मसाला चिकन। हुण जी इस रेसिपी दा पहला स्टेप असी ने एक इन हाउस मसाला बनाण लगे हां जी। सब तो पहला पैन नूं असी करांगे गरम ते इहदे विच ऐड करांगे 3 to 4 चम्मच साबुत धनिया। ये जिहड़ा धनिया ना ओवरऑल मसाले नूं थोड़ी बॉडी देगा ते ना ठंडा हुंदा जी, ये बहुत हैवी नहीं हुंदा स्पाइस। ते इस दे विच असी ऐड करना जी 1/2 चम्मच जीरा। हुण जीरा कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रोंग हुंदा ते बहुत वधिया एलिमेंटिक ऐड करदा है टेस्ट दे विच। इहदे विच असी ऐड कर रहे हैं 2 to 3 लाल मिर्चां, ये सुक्कियां हुई लाल मिर्चां असी ऐड कर रहे हैं। नाल जाणगे जी 2 to 3 तेज पत्ते, थोड़ी जी काली मिर्च, 2 इलायची ते 1 दालचीनी, ये आपां इहदे विच ऐड कर देनी है। ते चंगी तरह इसनूं आपां रोस्ट करना जी। ते लो जी ऑलमोस्ट ये रोस्ट हो चुके हैं। हुण आपां की करांगे, कुकिंग रेंज नूं कर देना बंद ते थोड़ा इसनूं इस दे विच ही छड रहे हैं ते इसनूं आपां दरदरा ग्राइंड कर लांगे ते जद तक साडे मसाले बिल्कुल परफेक्ट हुंदे हैं। मीनवाइल आपां सब्जियां नूं कट लवांगे। इत्थे ब्रोकली दे छोटे छोटे सानूं फ्लोरेट्स चाहिए हैं ते ब्रोकली दे फ्लोरेट्स कट्टण लई पहलां इसनूं असीं 1/2 कर रहे हैं ते जिहड़ा डंठल वाला पार्ट है ना ये असीं रिमूव करना है इस तरीके नाल। ते हुण जी असीं सारी वेजिटेबल्स प्रोसैस कर लीतियां जी। अनियन दे पतले पतले स्लाइसिस कट लेते हैं, बैल पेपर्स दे आपां पेटल्स कट लेते हैं ते ब्रोकली दे छोटे छोटे फ्लोरेट्स कर देते हैं। हुण आपां जी चिकन नूं प्रोसैस करांगे ते चिकन नूं प्रोसैस करन लई सब तो पहलां तां जिहड़े इह लैग पीस ते थाई वाले पीस है इहनूं असीं 1/2 कर रहे हैं। जिथे जॉइंट होएगा ना जी उत्थे आपां फील करना है, जॉइंट नूं फील करके बिल्कुल उस जॉइंट ते नाइफ चला दो, बहुत ईजीली देखो ये सैपरेट हो जाता है। पूजा जी इत्थे असी यूज़ कर रहे हैं 1 चम्मच काला नमक। चंगी तरह इसनूं स्प्रेड करके पावांगे ते इस तो बाद मैं ऐड कर रहा जी 1/2 चम्मच हल्दी दा। उस दे नाल नाल जिहड़ा ही ताज़ा बनाया मसाला है वह भी असी 1/2 चम्मच ऐड कर रहे हैं। 1 चम्मच भर के असी ऐड करांगे अदरक लसन की पेस्ट ते 2 to 3 चम्मच सरों का तेल। बहुत बेसिक मैरीनेशन मैं रखी है इस चिकन की ते चंगी तरह जी इसनूं मिक्स करना है। ते जी हुण चिकन नूं आपां कर लेता मैरीनेट ते हुण आपां नैक्सट स्टैप शुरू करते हैं जी। कुकिंग लई सब तो पहलां असी पैन नूं करांगे गरम ते इहदे विच ऐड करांगे 2 to 3 चम्मच सरों दा तेल ते उहनूं चंगी तरह हीट करना है। ये तेल च ना बहुत वधिया खुशबू हुंदी है, थोड़ा इसनूं हीट करो ना तो बहुत वधिया इसकी खुशबू जिहड़ी आउण शुरू हो जांदी है ते जिहड़ी पंजेंसी है इसकी बहुत हार्श हुंदा है तेल, हीट करने की पंजेंसी भी थोड़ी मेलोडाउन हो जाती है। तो लो जी इस स्टेज पर हम आप ऐड करांगे 1/2 चम्मच हींग, जिहड़ा आप ताज़ा बनाया मसाला है वह असी ऐड करांगे 1 चम्मच। 1 चम्मच जाएगा जी अदरक लसन का पेस्ट ते चंगी तरह इसनों आप पका लेना है। हुण आप इस पावांगे स्लाइस किए हुए प्याज ते उन्हें चंगी तरह भुन लेना जी। देखिए हुण वेट लॉस नहीं बहुत सारे थावां ते कुछ तुहानू टोटके दिते जांदे आ कि तुसी इदां करो कि तुसी अजवाइन वाला पानी पी लो, तुसी अदरक ते नींबू दा टी बना के हर्बल टी लै लो। ते मैं कहिंदी आ कि क्यों ना आपां अपने घरे एक्चुअल मसाले यूज करिए। इहनां दे पिछे साइंटिफिक रीजन की है कि जिहड़े मसाले हुंदे आ एक थर्मोजेनिक इफेक्ट देंगे, तुहाडी बॉडी च तुहाडा जिहड़ा मेटाबोलिज्म है ना कम करन दा वो वधा देंगे। जदों वो वधेगा तो तुहाडी बॉडी च जिन्ना भी स्टोर्ड फैट आ वो मेल्ट होना, मैं लेमैन च कह रही मेल्ट होना मतलब वो मेटाबोलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा जिदे करके तुहाडा जिहड़ा वजन है ऑटोमैटिकली घटना शुरू हो जाएगा। तुसीं फील करोगे कि हुण ना थकान जी नहीं महसूस होंदी, अजकल मैं बड़ा चुस्त रहिंदा, तुहानूं लगेगा वो वेट रिड्यूस करके हो रहा है पर वो वेट रिड्यूस करके नहीं, तुहाडा BMR भी इनक्रीज हुंदा वेट रिडक्शन दे नाल जिहदे करके तुहानूं लगदा है कि तुसीं बहुत चुस्त हो रहे हो वेट लॉस नाल। ऑलराइट ऑलराइट, बहुत इनफॉर्मेटिव गल सी जी। देखो छोटी छोटी जिहड़ी डिटेल्स हुंदी है ना ये स्पाइसिस कितना हैल्प करदे आ आपां नूं ओवरऑल वेट लॉस वास्ते, भी फैट कंटेंट नूं रेंडर करना भी राइट वर्ड है ना कि फैट रेंडर हो जांदा उस चीज़ नूं भी आपां इस नाल कनैक्ट कर सकते हैं। तो देखो जी जिहड़ी स्लो कुकिंग है वो जारी है जी, इसनों 3 to 4 मिनट हले लगनगे, आपां पेशेंस रखांगे जिवें ये गोल्डन हो जाएंगे फिर आपां कंटिन्यू करते हैं अपना अगला स्टैप। तो आ देखो पूजा जी जिहड़े प्याज है किन्ना सोहना इसका कलर आया है,
ब्राउनिश जा कलर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये जी कैरमलाइजेशन है ना हल्की हल्की, इस स्टेज तक आप इसको कुक करना है। हूँ आप ऐड कर लगे जी थोड़े पाउडर स्पाइसिस, इस जाएगा अद्धा चम्मच हल्दी का, अद्धा ही चम्मच मैं काला नमक ऐड कर रहा जी, थोड़ा जहा इस इलाचियों का पाउडर 1/4 चम्मच, तो 2 to 3 ये हरिया मिर्चा, ये चीज़ा आप चंगी तरह मिक्स कर लेनी है। हुण आप इस ऐड करांगे ये मैरीनेट किया हुआ चिकन, तो चंगी तरह चिकन इन्ह प्याजा के नाल मिक्स करके यदि भी भुनाई करनी है जी। तो जी हूँ इस स्टेज पर ये जो प्याज है ना जी, ये आप चिकन भुनना हाई फ्लेम पर 3 to 4 मिनट लिए इसको भुना, चिकन अपना पानी छेगा, चिकन का पानी वैपोरेट करके आप कंटिन्यू करते हैं अगला स्टैप। तो लो जी चिकन साडा भुन चुके, देखो मैम कि वधिया कलर आया इसका, तो ओवरऑल जोड़ा इसका मॉइस्चर है वह भी मैं वैपोरेट कर लिया। हूँ आप इस ऐड कर लगे जी 1.5 कप दही, ये दही चंकी तरह मैं मिक्स करूँगा चिकन के नाल, तो दही में भी भुन लवागा। इस दे नाल असी ऐड करन लगे जी अदरक दे लच्छे, बहुत वधिया एक शार्प अदरक का फ्लेवर जिहड़ा ना इस रेसिपी च असी देना है। हुण इस स्टेज ते असी ऐड करन लगे हां काजुआं दी पेस्ट, इस रेसिपी च मैं 3 to 4 चम्मच काजू दी पेस्ट यूज कर रहा हां, ये जिहड़ी पेस्ट है ना जी बहुत वधिया बाइंडिंग देगी ग्रेवी नूं, तो थोड़ा क्रीमीनेस ऐड करेगी, तो चंगी तरह जी इसनूं आपां मिक्स कर लेना। तो हुण जी आपां इस स्टेज ते थोड़ा जिहा इस च पानी ऐड करांगे लगभग 1 कप, तो जिन्हें भी ये वैजीटेबल्स हैं वो भी आप इस ऐड कर देनी है, थोड़ी जी ब्रोकली ते तिलो रंग दिया पेपर्स। तो जी हूँ आप चंगी तरह इसको मिक्स कर लवेंगे, तो लो जी हूँ आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं, कुछ की एलीमेंट्स हले भी पेंडिंग है जी। सब तो पहला तो इस मैं 1 to 1.5 जो नींबू वो स्प्रिंकल करूँगा, तो नींबू ना ज़्यादा कुक नहीं करना होंगे इसलिए बिल्कुल मैं आखिर के इसनों ऐड कर रहा, तो लैमन के नाल नाल थोड़ी खुशबू वधिया करने वास्ते 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर फिर तो, जिहड़ा ये ताज़ा बनाया मसाला सी वह भी थोड़ा जिहा असी 1/2 चम्मच ऐड कर रहे हैं। तो इस स्टेज पर आपां इसनों बिल्कुल स्लो हीट पर ढक्कन लगा के 10 to 12 मिनट लिए पका लेना है, फिर आप करते हैं जी सोहनी जी प्लेटिंग, फिर टेस्ट करके दसांगे कि ओवरऑल फ्लेवर किस तरह का आया। तो साडा लैमन मसाला चिकन बहुत ही सोहना बनया जी, देखो कितनी वधिया अपीयरेंस आई है, बहुत वधिया। थोड़ा इसनों फाइनल गार्निश करते हैं जी, कुछ मेरे को धनिए के पत्ते हैं, थोड़े जे अदरक के लच्छे वो असी यूज कर लेंगे, एक स्लाइस लैमन। तो लो जी फाइनल गार्निश हो चुकी है कंप्लीट, बहुत टाइम तो जी कुकिंग कर रहे हैं, खुशबू के फ्लेवरस देख के ना बिल्कुल मन कर रहा है कि फटाफट इसनों टेस्ट करिए। चलो मैं फिर टेस्ट करके देखो किस तरह तैयार होया जी। बाकी नमन तक कहना पड़ेगा स्वाद आ गया, इतनी टेस्टी डिश बनी है। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री।